In this question, the point on the line 4x minus y minus 2 is equal to 0, which is equidistant from the points minus 5, 6 and 3, 2 से equidistant पर है. ओके, तो लेट सपोज ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, इससे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस पर है. हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से, माइनस 5, 6, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज पी एंड दिस इज क्यू. ओके, एंड लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए विच इज ऑन, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज एच कॉमा के विच इज ऑन दिस लाइन 4x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पर है, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 3, 2. तो ये इक्विडिस्टेंस पर है हमारे पास, किससे, इस लाइन से. तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ए इज एच कॉमा के है हमारे पास, उसे इक्विडिस्टेंस है, मीन्स ए पी इज इक्वल टू ए क्यू लाइन डिस्टेंस है, ए पी डिस्टेंस है वो इक्वल टू ए क्यू के इक्वल है. तो वी कैन से दैट ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर. ए पी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, और उसका होल स्क्वायर है हमारे पास ए पी स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर क्या हो जाएगी एच प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगी एच माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 10h माइनस 12k प्लस 36 प्लस 25 विच इज इक्वल टू प्लस 36 प्लस 25 इज इक्वल टू एच माइनस 3 होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 एच स्क्वायर और के स्क्वायर से एच स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 6 और प्लस 10 इज 16h माइनस 12k और प्लस 4k माइनस 8k इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 13 सॉरी ये प्लस हमारे पास पॉइंट है प्लस 36 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 61 और 61 में से कितना माइनस है 13 कितना है 13. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 48 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से 8 हम कॉमन लेंगे कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या जाएगा 2h माइनस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ वी नो दैट दिस पॉइंट एच कोमा के पॉइंट ए ऑन लाइन लाइज ऑन दिस लाइन 4x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पर लाई करता है हमारे पास. तो मीन्स एच कोमा के सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो 4x माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से लेट्स सपोज दिस इक्वेशन सेकंड, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, एच कोमा के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से. तो क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन फर्स्ट है 2h माइनस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 4h माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2h प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, h की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई. इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो ये अगर 2h क्या हो जाएगा 8 माइनस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई 14, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी. तो h कोमा के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4, 14. तो पॉइंट क्या हो जाएगा a विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट p एंड q, दिस इज 4, 14. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a इज इक्वल्स टू 4, 14. पॉइंट ए इज 4, 14 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स माइनस 5, 6 एंड 3, 2. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.